दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेक्स्ट में हमने कैसे समझना है। वीडियो के अंदर आप आराम आराम से समझेंगे, कोई ज़्यादा अगर जल्दी जल्दी मचाएंगे या जल्दी जल्दी करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने ये पूरा देख चुके हैं, अब हम इस पर आते हैं कि हमारे टूल्स हैं। ये जो टूल्स हैं तो अभी मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ, जैसे कि नोट्स नोट्स कर्सर लिखा रहा है, ये सब हमारे कर्सल्स कर्सर बोलते हैं इन्हें, हम कर्सर हैं ये हमारा, इन्हें हम यूज़ करेंगे कैसे कैसे किस चीज़ में। अब जैसे कि मुझे सिर्फ नोड नोट देखिए, इसे हम बोलते हैं नोड और ये बोलते हैं बीम, ये हमारे बीम्स हैं, ये नोट्स हैं। तो सिर्फ जब हमें नोट सेलेक्ट करने हो तो नोट कर्सर उठाते हैं, ये है हमारा। सिर्फ अगर हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नोट सेलेक्ट करने हो तो नोट कर्सर लेंगे और सेलेक्ट कर देंगे ड्रैग करके, तो हमारे सिर्फ नोट सेलेक्ट होते हैं। दूसरा है बीम, बीम कर्सर, बीम कर्सर में अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ बीम बीम सेलेक्ट होगा, ये देखिए बीम ही सेलेक्ट होता है, ठीक है। तीसरा है मेरा, जब हम प्लेट कर्सर यूज़ करेंगे तो प्लेट जब हम बनाएंगे तो उसमें सिर्फ बीम, या भी अभी यहाँ पर प्लेट है नहीं तो प्लेट ही यूज़ होगी। उसके बाद सॉलिड कर्सर, जब हमारा स्ट्रक्चर सॉलिड होगा तो सॉलिड ही हम सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि सॉलिड बना हुआ है और हम बीम कर्सर या नोट कर्सर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट नहीं होगा। ये है हमारा ज्योमेट्री कर्सर, ज्योमेट्री कर्सर में हम जो होता है वो हम बीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नोट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए अगर मैं जब सिलेक्ट कर रहा हूँ उसे इस तरीके से पूरा, तो नोट भी सिलेक्ट हो रहा है और बीम भी सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। लोड एडिट कर्सर, जहाँ मैं लोड को एडिट करना हो कर्सर है कि हमारा लोड को एडिट करने का कर्सर है। मेंबर रिलीज एडिट कर्सर, जब हम मेंबर रिलीज करते हैं उसको एडिट कर्सर है, ये हमारे अलग तरह के कर्सर हैं, हम इनको यूटिलाइज, जो हमारे ये ओपन नहीं है हम खुलेंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये फिल्टर्ड सिलेक्शन करने के लिए हैं। और ये हमारा फिजिकल मेंबर कर्सर है, ये मेंबर्स का है। तो अभी हम जो देखेंगे वो इस तरीके से देखेंगे ये सब चीज़ें हमारे कैसे यूज़ करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये इंटरफेस की ही बात चल रही है अभी तक। अब जैसे कि अब हम देखें तो जब हमें सबसे पहले ओपन करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, अभी मैं इसे पूरे को डिलीट मार देता हूँ, तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुला आता है और हम सिर्फ मॉडल पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम मॉडल पे क्लिक करते हैं तो मेरा ये जो खुलता है वो ये इस तरीके से खुल जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो है किस तरीके से डालते हैं जॉब्स, मैं अभी डाल देते हैं कि अभी सिर्फ जॉब्स क्या है, क्लाइंट का नाम वगैरह हम ये डालते हैं। इस चीज़ को समझना तो प्रीवियस वीडियो को आप देखें। दूसरी हम बोलते हैं सेट जॉब्स वगैरह का सेटअप्स करना, सिर्फ मॉडलिंग के अंदर अभी हम ये देखेंगे। उसके बाद हमारा जो सेटअप के अंदर, ये सेटअप है, सेटअप के अंदर जो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन लिखा रहा है वो जॉब्स का आ रहा है। अब मॉडलिंग के अंदर जो अलग अलग स्टेप हैं वो ये हैं, पहले हम सेटअप करेंगे तो इसका स्टेप ये है जॉब, जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट हमारा रहेगा ज्योमेट्री। अब देखिए जैसे मैंने ज्योमेट्री पे क्लिक करा तो ज्योमेट्री जो है इन के ऊपर थोड़ा सा आउटर की साइड खुल गया, तो उसका मतलब हमारा ज्योमेट्री का ऑप्शन खुला हुआ है, बाकी सब देखिए एक ही लाइन में है। जैसे ज्योमेट्री का ऑप्शन खुला ये हमारे और ऑप्शंस ओपन हो गए, बीम प्लेट सरफेस सॉलिड पैरामीटर्स कंपोजिट्स फिजिकल्स, ये सब हमारे खुल गए, और साथ ही साथ एक ये ग्राफ सा खुल गया है, ठीक है। इसमें डिफॉल्ट ग्रिक लीनियर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तभी ये ओपन होगा, और हम इसमें एडिट्स भी कर देते हैं, अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, ठीक है ओके कर देंगे। और अभी हमने इस पर हटा दिया है। उसके बाद जहाँ अगर हमें बीम देखना हो तो देखिए बीम आप कैसे बीम बनाएंगे, तो बीम को हम विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ डिफॉल्ट
ग्रिड लीनियर स्नैप नोट बीम से हम यूज़ करके बना सकते हैं बीम टू बीम जैसे भी हम चाहें। ये हमारा बन गया है और हम इसको जो है यहाँ से अब डिलीट कर देंगे, तो ये हमारा इस तरीके से ही बन गया है। हालांकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अभी सिर्फ वैसे ही बनाया था। और आप जो है यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अब जैसे कि आपको ये ग्राफ चाहिए आपको, तो आप ये यहाँ पर क्लिक करेंगे स्नैप नोट बीम कर्सर से, तो ये आपका खुल जाएगा यहाँ पर। अभी मैं आप बंद कर देता हूँ और इसे डिलीट मार देता हूँ। जैसे मैं ज्योमेट्री करा, ये मेरा बीम आ गया, या प्लेट्स वगैरह मैं यहाँ बना सकता हूँ, या सरफेस वगैरह का वर्क कर सकता हूँ, ये सॉलिड्स का वर्क कर सकता हूँ, ये मेरा जो पैरामेट्रिक मॉडल्स हैं उसका, ये कंपोजिट्स का, कंपोजिट टैक्स वगैरह, ये फिजिकल्स वगैरह का ऑप्शन आता है। तो ये मेरा ज्योमेट्री का मोस्टली जो वर्क है वो मेरे इन ऑप्शन को भी मुझे अंदर काम करना होगा। जब मेरा ज्योमेट्री का वर्क पूरा हो गया, ज्योमेट्री का वर्क का मतलब है कि मेरा जो मॉडल है, जो मैंने अभी इस तरीके से ये मॉडल बनाया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने मॉडल्स अभी आपको दिखाया था, जो बीम टू बीम कनेक्ट करके उसे हम मॉडल बनाते, उसे मॉडल बोलते हैं। और पूरे ये जो मेरा है ये मॉडल है, तो ये जो मैंने मॉडल बनाया था, ये मॉडल जब बन जाएगा ये आता है ज्योमेट्री में, ठीक है। और देखिए इसमें इनपुट यूनिट लिखा आ रही है, तो इसके सिर्फ ये मीटर में काम, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मीटर में है। तो ये मेरा मॉडल बन जाता है, ठीक है। जब मेरा ज्योमेट्री का काम पूरा हो जाएगा तो मॉडल बन जाएगा, फिर हम आते हैं जनरल में। अब देखिए जैसे जनरल पर मैं गया, जनरल पर जाने के बाद मेरा एक अलग ही एक इंटरफेस खुलकर आया और ये मेरा थोड़ा आउट हो गया। जैसे मैंने जनरल पर मैंने क्लिक करा, तो प्रॉपर्टीज़ एक अलग ऑप्शन आया, स्पेसिफिकेशन एक अलग ऑप्शन आया, सपोर्ट आया, लोड एंड डेफिनेशन आया, फिर मटेरियल आया। जब मेरा ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जनरल में जाऊंगा। जनरल में जाने के बाद ये सारी मैं एप्लीकेशंस, जितने भी मेरे ऑप्शंस हैं, इनको एप्लीकेशंस करेंगे, यूज़ करेंगे इन्हें हम, जो हम यूज़ करके फिर हम अपना पूरा मॉडलिंग को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करा, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ देनी होंगी मुझे यहाँ पर, या डिफाइन करना होता है कि मेरा बीम या कॉलम सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है, टी है या ट्रेपेजॉइडल है या जनरल है या टेपर्ड है। जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो रेक्टेंगुलर सर्कुलर ही होता है। वो आपके बिल्डिंग पर डिपेंड करेगा कि बिल्डिंग आपकी कंपोजिट है या किस तरीके की बिल्डिंग है। दूसरा स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन में हम जाते हैं तो ये मेरा बीम को रिलीज़ करना, कंप्रेशन, टेंशन, ये अलग अलग ऑप्शन है। ये हम रिडक्शन फैक्टर प्रोवाइड कराते हैं, रिडक्शन फैक्टर हमारा किस तरीके से रहता है। ये आपको कोड में मिलेंगी इसकी वैल्यू, जो कोड में हमारा कोड क्या कहता है कि कितना हमारा रिडक्शन फैक्टर होना चाहिए। बीम के लिए हमारा 35%, कॉलम के लिए 70%, स्लैब के लिए जो हमारा वो होता है 25%। तो ये सब वैल्यूज़ आपको कोड में मिलेंगे, आपको कोड को स्टडी करनी होगी। तो उसके बाद हम आते हैं सपोर्ट पर। अब सपोर्ट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वो बिल्डिंग के जो फाउंडेशन है वहाँ पर हम मोस्टली फिक्स सपोर्ट देते हैं, जिसमें हम क्रेट पे जाते हैं, फिक्स सपोर्ट, पिन सपोर्ट, फिक्स बट, ठीक है, एंड फोर्स होती हैं, ये सब हमारी अलग अलग तरह की सपोर्ट्स वगैरह रहती हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है लोड एंड डेफिनेशंस। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लोड्स वगैरह जो हम अप्लाई करेंगे उसकी फाइल्स बना के, फिर मटेरियल, अब हम किस मटेरियल का काम करेंगे। अब देखिए जो स्टेट प्रो है वो हमारा तीन मटेरियल पे काम करता है, सॉरी चार मटेरियल पे काम करता है। एक स्टील है, एक स्टेनलेस स्टील है, एक एल्यूमिनियम है, एक कंक्रीट है। तो ये हमारे चार हमारे मटेरियल पर वर्क करता है हमारा जो हमारा स्टेट प्रो है, वो चार बेसिक मटेरियल पर काम करता है, स्टील पर, स्टेनलेस स्टील पर, एल्यूमिनियम पर, कंक्रीट पर। तो हम यहाँ से अपना प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे, हम जो भी मटेरियल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा ज्योमेट्री के बाद जनरल्स की सारी प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिकेशन, इन सब को ऑप्शन को हम अप्लाई कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे एनालिसिस प्रिंट पर।
और मुझे यहाँ पर बताना होगा कि एनालिसिस प्रिंट जो है वो क्या करना है। तो जैसे कि हम लोड डाटा स्टैटिक चेक्स वगैरह के हमारे ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो जब हम बिल्डिंग को देखेंगे तब इसको यूज़ करेंगे। एनालिसिस प्रिंट देने के बाद हम डिज़ाइन पे जाते हैं, और डिज़ाइन पे जाने के बाद जैसे मैं डिज़ाइन पे अप्लाई करता हूँ तो वैसे ही मुझे कंक्रीट पे अप्लाई करना है। किसी जैसे मैंने डिज़ाइन पे अप्लाई करा वैसे ही फौरन मेरे पास ऑप्शंस ओपन हुए। जो ऑप्शंस हुए हैं तो मुझे बताना होगा अपने स्टेट प्रो को कि मैं स्टील के डिज़ाइनिंग करूँगा या कंक्रीट के करूँगा या टिम्बर के करूँगा या फिर एल्युमिनियम के करूँगा। अब जैसे हमने पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी अकॉर्डिंग टू द कोड, वो हमारे कोड हमारे ओपन हो रहे हैं। जैसे मैं स्टील पे क्लिक करता हूँ तो IS 800 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जैसे कंक्रीट पे अप्लाई करता हूँ तो IS 456 आ जाता है, टिम्बर पे करता हूँ तो AITC 1994 आ जाएगा, एलमिनियम पे करूँगा तो एलमिनियम US, और शेयर वॉल पे करूँगा तो शेयर वॉल के लिए हमारा IS 456 होता है। तो ये हमारा सब हम पहले से ही इसकी सेटिंग हमने करी थी तो उससे ये हमारा आ रहा है। तो अगर हमें समझना हो कि कैसे कैसे वर्क करेगा, अभी मैं सिर्फ डिज़ाइन पे जाऊंगा, कंक्रीट पे हमारा स्ट्रक्चर है RCC, तो मैं इसके अंदर ही वैल्यू इस तरीके से ये आएगा, तो हम ये कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। जो शेयर वॉल है हमारी, शेयर वॉल हम अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं, तो शेयर वॉल को आप देखेंगे कि शेयर वॉल कैसे हम डिज़ाइन करी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पूरा स्टेप प्रोसेसेस होता है। इस प्रोसेस स्टेप को करने के बाद हमारा बिल्डिंग का एनालिसिस और डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। ये सिर्फ अभी इंटरफेस है। अब जैसे कि आपको एक ऑप्शन और था जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो उसमें देखें, स्टेट एडिटर। अब जैसे स्टेट एडिटर पर हम जो खोलते हैं तो स्टेट एडिटर के अंदर अगर मैं ओपन करूँगा, ये मेरा स्टेट एडिटर का ऑप्शन है, या मैं सेव करूँगा, जैसे मैं ओपन करूंगा अभी मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। जब हम जब फाइल को क्रिएट करते हैं तभी हमारी पूरी स्टेट की मॉडल की एक बैकअप फाइल होती है जो कि यहाँ पर पूरा कंप्लीट बन जाती है। तो इसको भी हम देखते हैं जब हम पूरा मॉडल बना देंगे। इसके अंदर ये हमारे और कमांड्स हैं, ये कमांड्स का यूज़ करते हैं, डिज़ाइंस का यूज़ करते हैं। एनालिसिस को हम ये करते हैं कि एनालिसिस कंट्रोल F5 दबा देंगे तो हम डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। ये है मोड है, विंडोज़ है, ये सब हमारे ऑप्शंस हैं जो हम देख चुके हैं, ये सब हमारे ऑप्शन हैं। तो इसका जो हमारा एक कंप्लीट, आप ये कह सकते हैं कंप्लीट एक इंटरफेस है जो आपको एक समझ में आ गया होगा अब तक का। फिर उसका हमारा एक आगे का प्रोसेस है पोस्ट प्रोसेसिंग। जब हमारा एनालिसिस डिज़ाइन हो जाता है तो हमें वैल्यूज़ चाहिए होती हैं SFD BMD, जिसके के बाद हम करने के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ये हमारे बेंडिंग मोमेंट है, ये जेड डायरेक्शन वाई डायरेक्शन बेंडिंग मोमेंट के ऑप्शन है, ये टॉर्शन का है, ये हमारा शेयर फोर्स जेड फोर्स का है, ये वाई का शेयर का है, या शेयर फोर्स वाई के डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन एक्सिल फोर्स है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, ये रिफ्लेक्शन का है। तो ये हमारे ऑप्शंस ओपन होते हैं या हम पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट को कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ये इंटरफेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे जाके जो देखेंगे वो मॉडल्स देखेंगे, बीम्स देखेंगे, कैसे कैसे हम प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हैं, और एक कंप्लीट रियल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे कि हमारा रियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट कैसे वर्क होता है।